महोदय, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मेरा दूसरा बजट सेशन है और कहीं ना कहीं सुबह से जो ये चर्चा चल रही है, ये मुझे ये कंफ्यूज कर रही है कि हम राजस्थान के बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के बारे में अगर चर्चा करनी के वैसे तो योग्य नहीं है यहाँ के बैठे हुए सभी विधायक, क्योंकि 25 के 25 हमारे सांसद गए हुए हैं। लेकिन अगर केंद्र के बारे में आपको इतनी चर्चा करनी है तो उसका प्लेटफॉर्म अलग है, ये राजस्थान विधानसभा है और हमें यहाँ पे जो बजट दिया गया है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ता ने इतनी बातें बोली कि केंद्र सरकार ने क्या करा है और क्या नहीं करा है। कहीं ना कहीं इतने बड़े एक 176 पेजेस के बजट में वो ये नहीं ढूंढ पाए कि उनकी सरकार ने कितनी अच्छी उपलब्धियां करी है, क्योंकि शायद नहीं है। वो भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि ये सिर्फ एक घोषणा के रूप में रह जाएगी और ये बजट कभी भी धरातल पे नहीं उतरने वाला है। केंद्र सरकार के बारे में इतनी बुरी, इतनी गलत फहमियाँ, इतनी झूठी बातें करने की जो ये प्रवृत्ति है, ये बहुत ही गलत है। पूरे विश्व ने इस बात को माना है कि कोरोना काल में अगर कुछ अच्छे से मैनेज हो पाया है तो वो हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश को, इसकी व्यवस्था को बहुत अच्छा किया है। वैक्सीन बनाकर पूरे देश में उपलब्ध कराया है और पूरे विश्व ने इस बात को माना है। राजस्थान सरकार के राजस्व में जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि 927 अरब रुपये था, वो बढ़कर 1142 अरब रुपये हो गया है। तो ये अपने आप ही ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की तो उपलब्धियां बहुत अच्छी और रेवेन्यू अच्छे से हो रहा है और राज्य सरकार को भी मिल रहा है। बार बार केंद्र सरकार के बारे में ये बात बोलना और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री के बारे में ये बात बोलना और ये बात कहना कि बजट का बस एक पन्ना ही पलट गया था, एक पन्ना कहीं ना कहीं मिस हो गया था। तो जब ये बजट मैं पढ़ रही थी, इस बजट के दूसरे पन्ने पर ही एक ये कोटेशन इन्होंने लिखी है, मुझे लगता है कि ये ही पन्ना रह गया था और इस कोटेशन को भी इन्होंने इसमें पूरा नहीं लिखा है। तो मैं ये बात पूरी आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का कल होगा, वो आज नहीं तो 2023 के बाद होगा और इस बात का मुझे पूरा यकीन है, पूरे राजस्थान को यकीन है। बार बार झूठी बातें करना, झूठी घोषणाएं करना, इस बात का राजसमंद और मेरी विधानसभा के सभी लोग, हमसे अच्छा और बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि उपचुनाव के दौरान बहुत सारे मंत्रीगण पधारे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस बनी थी, जिसमें से एक हेडलाइन 8 फरवरी को दैनिक भास्कर में छपी थी, जिसमें ये कहा गया था कि राजसमंद विधानसभा में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 2 साल पहले ही वो घोषणा हो जानी चाहिए थी, पर अब क्योंकि याद आ रहा है कि वापस से चुनाव आ रहे हैं तो एक घोषणा और होनी चाहिए, और उस घोषणा को बहुत अच्छी तरीके से ट्वीक करते हुए ये बात बोली गई कि राजसमंद विधानसभा नहीं, राजसमंद जिला में ये मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहूँगी कि राजसमंद जिला मुख्यालय, जहाँ से मैं विधायक हूँ, अगर ये मेडिकल कॉलेज खुले तो हमारी विधानसभा में खुले। और इसलिए नहीं खुले क्योंकि ये सही है या गलत है, उसमें तो मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजसमंद सेंटर में पड़ता है, इस वजह से वो जिला मुख्यालय है। और अगर यहाँ पर खुलता है तो जितनी भी चारों विधानसभाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर रहने वाले लोगों को वो सुविधा मिलेगी। आदरणीय सभापति महोदय, इतना बड़ा भाषण, इतनी बड़ी बजट जो पेश किया गया है, उसके बारे में इतनी माइक्रो डिटेलिंग कि इस विधानसभा के अंदर ये PHC खोलेंगे, इस विधानसभा में ये कन्या विद्यालय खोलेंगे। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा भेदभाव कि कांग्रेस के विधायक हैं जहाँ पर, वहाँ पर तो बहुत अच्छे से घोषणाएँ हों ताकि वो वापस आएँ, और BJP भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कुछ मिले नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है, वो ये कहती है कि बजट जो होना चाहिए वो मैक्रो डिसीजंस पर होना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी नीतियाँ ला रहे हैं जिससे कि इस राजस्थान के जनता को सुरक्षा मिले, जनता को फायदा मिले।
लेकिन उसकी जगह हम माइक्रो डिटेलिंग में गए कि हमारे विधायकों को कैसे सुविधा मिले, कैसे उनका फायदा हुए। और कहीं ना कहीं मैं आदरणीय विधायक से ये कहना चाहूँगी, माननीय सदस्य से जिन्होंने मेरे पहले अपना वक्तत्व दे रहे थे, अभी तक आपका जिला नहीं हो पाया तो हम क्या उम्मीद रखें आपकी इस सरकार से कि हमारा क्या होगा, जब आप ही के वो नहीं सुन रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी ये बजट आने से पहले कि ये बजट बचत, राहत और बढ़त की कसौटी लाएगा। इस बजट में सबको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन कहीं भी इस बजट में इस बारे में चर्चा नहीं की गई है कि ग्रॉस इनकम राजस्थान की जनता की कैसे बढ़ा रहे हैं, उस विषय में क्या कर रहे हैं। कहीं भी ये बात नहीं कही गई बजट के अंदर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, लाभदायक रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। बार बार ये बात आती है कि हम बेरोजगारों के लिए इसमें एक राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी लिखा है और ऐसी कितनी सारी चीज़ें लिखी है कि हम यूथ के लिए ये करेंगे, लेकिन आज का यूथ, आज का युवा, आज का नौजवान वो ये नहीं चाहता है कि उसको मुफ्त में रोटी मिले, वो ये चाहता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट से दो रोटी कमाए और अपने परिवार को खिलाए। MOU साइन करे गए पर आज भी उस बारे में इस बजट में कोई बात नहीं रखी गई कि किस तरीके से इन MOUs को धरातल पे लाया जाएगा, कहाँ पर रोजगार बढ़ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री आ रही है। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि हम बाड़मेर, हम जोधपुर और जयपुर में हार्ट के माध्यम से, ब्लू पेंटिंग, पॉटरी के माध्यम से